हेलो दोस्तों, एवलेनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई इंसान 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? लेकिन महाभारत के युग का एक इंसान आज भी भटक रहा है, जिसको कई जगह देखा गया है लेकिन उसको आज भी मुक्ति नहीं मिली। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन है ये व्यक्ति जो अमर हो गया। क्या महाभारत के युग का अश्वत्थामा जिंदा है? दोस्तों, जानते हैं पहले अश्वत्थामा के बारे में। जब पांडवों ने द्रोणाचार्य की हत्या की थी तो उनका बेटा अश्वत्थामा क्रोधित हो गया था और उसी क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने पांडवों की हत्या कर दी थी और पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए अर्जुन की बहू उत्तरा के पेट में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भी चलाया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिशु की रक्षा की और अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उनके माथे से मणि निकाल ली और उन्हें सजा दी कि तू 5000 सालों तक अपनी मौत के लिए भटकेगा और तुझे मौत नहीं मिलेगी, साथ ही साथ तुझे यूं ही पाप को अपनी ताउम्र ढोना होगा, कई रोग तुझे अपने अंदर महसूस होते रहेंगे। इसी श्राप के चलते अश्वत्थामा अपनी मौत को आज भी तलाश रहा है। यूं तो अश्वत्थामा बहुत जगह देखा गया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जी न्यूज को इंटरव्यू में बताया कि उनके रिश्तेदार को अश्वत्थामा इलाहाबाद में दिखा था। उस व्यक्ति की पूरी इंटरव्यू के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाएं और देखें। अश्वत्थामा सबसे पहले श्राप के बाद असीनगढ़ के किले में आया था। किले के आसपास रहने वाले गांव वालों ने बहुत राज बताए हैं और इस बात को यकीन करने के लिए आप न्यूज चैनल द्वारा लिए गए इंटरव्यूज देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको गांव वालों द्वारा बताई गई कुछ बातें जरूर बताएंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं असीनगढ़ का किला कहाँ है। असीनगढ़ का किला मध्य प्रदेश के जिले बुहानपुर में है। यूं तो इस किले के ऊपर कई रोचक किस्से हैं, पर इस किले को डरावना बनाती है अश्वत्थामा की मौजूदगी। कहते हैं कि असीनगढ़ की पहाड़ी पर जो मंदिर है वो अश्वत्थामा ने बनाया था। अश्वत्थामा ने इस असीनगढ़ को इसलिए चुना था क्योंकि ये सुनसान और वीरान जंगल था, यहाँ वो अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। तभी पहाड़ पर उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। लोग कहते हैं कि सबसे पहले रोजाना सुबह आज भी अश्वत्थामा नहाकर यहाँ के मंदिर में शिवजी को जल चढ़ाता है, उसी के बाद यहाँ बाकी गांव वाले मंदिर आते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि गाँव वालों के अनुसार जो अश्वत्थामा को देख लेता है वो अपनी होशो आवाज खो बैठता है और जंगल में ही भटकता रहता है। ऐसे कई लोग हैं जो सुबह जंगल गए पर कभी लौटकर नहीं आए और उनकी तलाश भी इसी कारण से नहीं की गई क्योंकि अश्वत्थामा इस जंगल में निवास करता है और मान लिया गया कि उन्हें अश्वत्थामा दिखा होगा। पहाड़ की चोटी पर एक तालाब है जो बुहानपुर की गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। कहते हैं अश्वत्थामा उसमें रोज स्नान करने आता है और उसके स्नान करने की वजह से ही ये तालाब कभी नहीं सूखता। आपको क्या लगता है, क्या सच में अश्वत्थामा यहाँ बुहानपुर के किले में है? साथ ही साथ हमें कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि आप लोगों को क्या पसंद है, महाभारत या रामायण? क्योंकि जहाँ हक के लिए लड़ोगे वहाँ महाभारत होगी और जहाँ हक छोड़ दोगे वहाँ रामायण होगी। और भी मिस्टीरियस वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आप लोगों को हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।